पहले सबको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि पहले सलाम होता है फिर कोई काम होता है। देखिए मेरी उम्र है करीबन 66 साल, और करीबन तकरीबन 55 साल से मैं हिंदी फिल्मों में पंजाबी उर्दू गज़लें गीत नज़में इबादतें कवालियाँ ठुमरी तराने ख्याल लिख रहा हूँ। मेरा ताल्लुक उस घराने से है, आनंद बख्शी साहब का नाम सुना होगा आपने, मैं उनका भतीजा हूँ। तो एक दो रुबाई सुना दूंगा, एक दो नज़म, दो चार शेर और एक दो गज़ल सुना दूंगा आपको। सबसे पहले जो मेरे ख्याल में एक रुबाई आ रही है उसको पढ़ने के बाद में, ये इतने जवान बैठे कि मुझे 18 साल का कर दिया आप लोगों ने। देखिए ये बहुत ही खास है और बहुत ही अंदर से पीछे मेरे परिवार से चली आ रही चीज है ये। देखिए, नमाजी कोई नहीं मेरे पूरे खानदान में, पूरे खानदान में नमाजी कोई नहीं मेरे पूरे खानदान में, मगर फिर भी भरोसा है खुदा की शान में। नमाजी कोई नहीं। शुक्रिया। नमाजी कोई नहीं मेरे पूरे खानदान में, नमाजी कोई नहीं मेरे पूरे खानदान में, मगर फिर भी भरोसा है उस खुदा की शान में। और पिलाना चाहता हूं बख्शी घोल कर जमाने को, पिलाना चाहता हूं बख्शी घोल कर जमाने को, मुझे इतनी मिठास लगती है उर्दू जबान में। पिलाना चाहता हूँ बख्शी घोल कर जमाने को, मुझे इतनी मिठास लगती है उर्दू जबान में, मुझे इतनी मिठास लगती है उर्दू जबान में। और अब क्योंकि इतने जवान बैठे हैं तो मेरी जुबान जवानों से ही मुखातिब होगी और जवानों से ही शुरू करेगी। सोच कर देखना अगर ये जवानी नहीं होती, सोच कर देखना अगर ये जवानी नहीं होती तो दुनिया में किसी की कोई कहानी नहीं होती। सोच कर देखना अगर ये जवानी नहीं होती तो दुनिया में किसी की कोई कहानी नहीं होती। अगले शेर पर तवज्जो चाहूंगा। माँ का आंचल, माँ की ममता, सर पे बाप का साया। माँ का आंचल, माँ की ममता, सर पे बाप का साया, ये वो रहमते हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती। ये वो रहमते हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती, और जिसे दिल दो नौजवानों के लिए, जिसे दिल दो उसे सांसों पे इख्तियार भी दे दो, जिसे दिल दो उसे सांसों पे इख्तियार भी दे दो, इश्क में इससे बेहतर कोई निशानी नहीं होती। इश्क में इससे बेहतर कोई निशानी नहीं होती। और ये रुतबा हासिल होता है सरहद पे मरने से, ये रुतबा हासिल होता है सरहद पे मरने से, कुत्ता काटने से मौत कुर्बानी नहीं होती।
कुत्ता काटने से मौत कुर्बानी नहीं होती। सोच कर देखना, अगर ये जवानी नहीं होती तो दुनिया में किसी की कोई कहानी नहीं होती। और जो गिर गिर के गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, जो गिर गिर के गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, उन्होंने बात अपने बुजुर्गों की मानी नहीं होती। उन्होंने बात अपने बुजुर्गों की मानी नहीं होती। उन्होंने बात अपने बुजुर्गों की मानी नहीं होती। और एक और मैं आपके लिए आज बहुत खास चीज लाया हूं। मैं जानता था कि इस महफिल में एक रंग है। देखिए, देखिए, भरी हुई है खुशबुएं उसके जहन में इतनी, भरी हुई है खुशबुएं उसके जहन में इतनी, कुछ भी बोले तो गुलाब का जिक्र करता है। भरी हुई है खुशबुएं उसके जहन में इतनी, कुछ भी बोले तो गुलाब का जिक्र करता है। घूमते रहते हैं इल्मी इदारे उसके इर्द गिर्द, घूमते रहते हैं इल्मी इदारे उसके इर्द गिर्द, वो सोते जागते किताब का जिक्र करता है। वो सोते जागते किताब का जिक्र करता है। वो इबादत और अय्याशी का पाबंद बहुत है। वो इबादत और अय्याशी का पाबंद बहुत है। नमाज पढ़ते ही शराब का जिक्र करता है। और आगे एक शेर ऐसा है, ये उन लोगों के लिए तो खास है जिनका ताल्लुक किसी ना किसी वजह से लखनऊ से रहा हो, और या जिस जिनको लखनऊ के बारे में थोड़ा वो हो। देखिए क्या है शेर। वो शख्स जब कभी भी लखनऊ से बाहर होता है, वो शख्स जब कभी भी लखनऊ से बाहर होता है खाते वक्त टूंडे कबाब का जिक्र करता है। लखनऊ में एक टूंडे कबाब हैं जिनका नाम है, एक हाथ टूंडे वो कबाब बनाते हैं, पूरी दुनिया में उनसे ऐसा कबाब नहीं बना सकता कोई। तो वो शख्स जब कभी भी लखनऊ से बाहर होता है खाते वक्त टूंडे कबाब का जिक्र करता है। खवातीन की इज्जत को बयां करता है हटके, खवातीन की इज्जत को बयां करता है हटके, पलकें झुकाकर वो नकाब का जिक्र करता है। पलकें झुकाकर वो नकाब का जिक्र करता है। सलूक का सलीका बख्शी सिखाता है अजब से, सलूक का सलीका बख्शी सिखाता है अजब से, सर को झुकाकर वो आदाब का जिक्र करता है। सर को झुकाकर वो अदाब का जिक्र करता है। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मगनून हूं कि आपने मुझे इस महफिल में बुलाकर एक मौका दिया। शुक्रिया। देखिए एक रुबाई और एक गजल पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। अदाओं का बिछाकर जाल, रुबाई देखिए, रुबाई की तहत तब जाना पड़ेगा। अदाओं का बिछाकर जाल फिर इतराती बहुत है। अदाओं का बिछाकर जाल फिर इतराती बहुत हैं, दो कदम भी चलना हो तो फिर बलखाती बहुत हैं। अदाओं का बिछाकर जाल फिर इतराती बहुत हैं, दो कदम भी चलना हो तो फिर बलखाती बहुत हैं। मुझे इस झूठ पे बख्शी बहुत ही प्यार आता है, औरतें अपनी असली उम्र को छिपाती बहुत हैं।
मुझे इस झूठ पे बख्शी बहुत ही प्यार आता है। औरतें अपनी असली उम्र को छिपाती बहुत हैं, औरतें अपनी असली उम्र को छिपाती बहुत हैं। आजकल एक हालात के हवाले से एक बहुत ही मेरे दिल के करीब सुन लीजिए। देखिए हम लोग जवान हैं, बहुत बाहर जाते हैं, घूमते फिरते ऐश करते हैं करते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है कहीं ना कहीं वो गलत उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक बुजुर्ग क्या कहता है, कहता है तबीयत हो तो मैं मिलने चला जाता हूँ अपनों से। देखिए एक किनारे पे अंदर बैठा हुआ बुजुर्ग क्या बोल रहा है, तबीयत हो तो मैं मिलने चला जाता हूँ अपनों से, वक्त कैसा भी हो मैं दिल से निभाता हूँ अपनों से। बुजुर्ग कहता है कि मुझसे आज तक दुनिया में कोई जीत ना पाया, मुझसे आज तक दुनिया में कोई जीत ना पाया, मगर मैं घर में घुसते ही हार जाता हूँ अपनों से, मगर मैं घर में घुसते ही हार जाता हूँ अपनों से। बिना कफन के दबा दी हैं दिल की हसरतें सारी। बुजुर्ग कह रहा है बिना कफन के दबा दी हैं दिल की हसरतें सारी, पानी मांगते हुए खौफ खाता हूँ अपनों से, पानी मांगते हुए खौफ खाता हूँ अपनों से। और अगला शेर देखिए, सांस लेने से पहले जायजा लेता हूँ मैं घर का, सांस लेने से पहले जायजा लेता हूँ मैं घर का, सोच कर देखना मैं कितना घबराता हूँ अपनों से, सोच कर देखना मैं कितना घबराता हूँ अपनों से। और इसका मकसद देखिए, मकसद वक्त के साथ बख्शी मैंने भी खुद को बदल लिया। बुजुर्ग कह रहा है वक्त के साथ बख्शी मैंने भी खुद को बदल लिया, दवा के साथ रोज ही मार खाता हूँ अपनों से, दवा के साथ रोज ही मार खाता हूँ अपनों से। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।